लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पकड़ो उसे। अरे कहाँ, रुको, छोड़ो, छोड़ो मुझे, चलो यहाँ से, निकालो उसे, चुप हो जाओ, जाने दो मुझे, प्लीज, चुप हो जाओ, प्लीज छोड़ो मुझे, उड़ाने की कोशिश करोगी तो गिरोगी, छोड़ो, तुम्हारा हुआ कि नहीं? अरे ये क्या, मैं तो सोचा कि तुम नहा रही हो। ये तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर भाग रही थी। पर मुझे पता कैसे नहीं चला? मुझसे क्या पूछ रहे हो, लाओ चाबी दो। पर तुमने ऐसा क्यों किया नास्तिया? तुम अलग हो, तुम में और इन लोगों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तुम अपना मुंह बंद ही रखो, लाओ चाबी दो। किसी को हॉस्टेज बनाना गुनाह है, तुम्हें पता है ना? शायद तुम्हें नहीं पता, पर मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मैक्सिम को जानती नहीं हो और ना ही उसके गुस्से को। ये लो चाबी। ओह गुड, तो बिल्ली मिल ही गई। तुम सब जेल में जाओगे, तुम सबको इस बात का पछतावा जरूर होगा। चिल्लाना बंद करो और अंदर जाओ। मेरे बेटे की दुल्हन का जरा अच्छे से ध्यान दो। घूर क्या रहे हो, वो बस थोड़ी सी नर्वस है, ऐसा होता है। तुम जा सकते हो, मैंने कहा कि तुम जा सकते हो। कुछ पता चला क्या? नहीं, कुछ भी हाथ नहीं लगा। बहुत चीजें अजीब सी हो रही हैं। सीसीटीवी के सारे फुटेज अपने आप डिलीट हो गए हैं, यहां तक कि कॉल रिकॉर्ड्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। लीडा, तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। नास्तिया के कुछ अजीब से मैसेज आ रहे हैं। अगर वो किसी के साथ सी साइड पर गई भी है तो उसने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया मुझे? मुझे पक्का कोई गड़बड़ लग रही है। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो पहले चलकर लंच करते हैं। मैं अभी कुछ और नहीं सोच सकता। नहीं, तुम्हें खाना खाना चाहिए, वरना तुम्हारी सेहत बिगड़ सकती है, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब चलो भी। ओके। ओ नास्तिया, नास्तिया, तुम आखिर क्या कर रही हो? ये सब ठीक नहीं, हम तुम्हारी जान थोड़ी ना ले रहे हैं। तुम मेरे बेटे से शादी करने वाली हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम थोड़ी नर्वस हो रही हो, पर भागना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। वैसे इससे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर आज ये साबित हो चुका है, जो फुल मून डे पर पैदा होते हैं वो बाकियों से थोड़ा ज्यादा नर्वस होते हैं। मेरी बेटी भी ऐसी है, सच में उससे कोई भी बात करो तुरंत इरिटेट हो जाती है, पता है? आजकल उसे भूख भी ज्यादा लग रही है। वैसे तुम तो एक डॉक्टर हो, तो तुम ही बताओ कि क्या स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है क्या? क्योंकि उसकी पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं है, क्या हो रहा है? मॉम, मैं क्लास जा रही हूँ। मैं नास्तिया से तुम्हारी ही बात कर रही थी अभी बेटा, है ना? इसने कहा कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, ओके? कोई फिजिकल एक्टिविटीज करो, अच्छे से सोया करो, है ना? हाँ मॉम, जरूर। ओके, क्लास से सीधे घर आ जाना। हाँ जरूर। क्या फैमिली है। अरे रे, जरा सुनो, तुम्हें वहां आइस लगानी चाहिए, रुको मैं आइस लेकर आती हूँ। सुनो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मैं नहीं खा सकता हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कैसी है, कहाँ है? ये मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारी गलती नहीं है,
ब्लेम मत करो खुद को। ठीक है, मैं इस केस को सॉल्व करूंगा। हम उसे ढूंढ लेंगे ना। ओके। लैम्ब्रा फार्म को बचाने में गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। काफी देर हो चुकी है, अब ये काम नहीं करेगा। अच्छा, अब इसके अलावा कौन देगा हमें? हम क्रेडिट भी पे नहीं कर सकते, लोग लगातार रिजाइन कर रहे हैं, उसका मालिक पहले ही बिजनेस में डूब चुका है, जल्दी ही कंपनी बंद हो जाएगी या नीलाम हो जाएगी। इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू। अगर माइकलो को लोगों की जरूरत है तो ये अच्छा ही है, तुम मुझे लगा दो, तुम्हें तो पता है मुझे एक्सपीरियंस भी है। हाँ, तुम जो बोल रहे हो मुझे पहले से पता है। मुझे तुमसे बात करनी है। डेरेना अच्छा? आखिर किचन में कर क्या रही है? तुमने कहा था तुमने उसे जाने दिया। हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं, शायद आप भूल चुकी हैं। हाँ, ये दुल्हन का बुके है? नहीं, ये घर के लिए है। अनस्तस्या बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है, मैंने तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनी थी। मैं कह देती हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें मीशा की प्रॉब्लम किसी और तरीके से सॉल्व करनी होगी। कह देना उससे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा आपके कहने पर चले, उसका फ्यूचर तबाह नहीं करना चाहती। चुप करो तुम, मुफ्त खोर कहीं की। अपनी बहू से कहो जरा शांत रहे, अगर कहीं उसकी वजह से मुझे या मीशा को कोई प्रॉब्लम हुई तो बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। हेलो, क्या क्या हुआ? उसे लेकर कहाँ गए हो तुम? उसने लैपटॉप कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है, बेवकूफ। मैंने हर किसी से पूछा है पर कोई इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर वो उन्हें मिल भी गया तो वो उसे क्लब के मालिक के पास ले जाएंगे। समझ में आया? रखता हूं। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। वो यही है ना? थैंक यू। घालिया मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ ऐसे? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? परेशान मत होइए, थोड़ा स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ है, हम रिपोर्ट आने तक वेट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा हो जाता है। क्या कहा आपने, प्रेगनेंसी? आपको पता नहीं, अभी इनका 28th वीक चल रहा है। घालिया, ये सब क्या है? सुनिए, मुझे लगा आपको इस बारे में पता होगा। ये कैसे पॉसिबल है? आपने कहा 28 weeks, मतलब लगभग 6 महीने। इसका पेट बाहर कैसे नहीं आया? ये कैसे हो सकता है? दरअसल
कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये छोटी और कमजोर है इसलिए पेट ज्यादा निकला नहीं है। यकीन नहीं हो रहा तुमने ऐसा किया। क्यों ऐसा किया? मुझे लगता था कि तुम पर पढ़ाई का स्ट्रेस है, ये सब तुम्हारे टीचर्स और क्लासेस की वजह से हुआ, लेकिन ये सब कब हुआ? कौन है वो घालिया, बताओ, बोलो। तुम्हें पता है मैक्सिम को पता चला तो वो क्या हाल करेगा, और रहीना को पता चला तो वो क्या करेगी? घालिया, ऐसा करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसा मत कहिए। मुझे उसका नाम बताओ, बताओ वो कौन है, बोलो बोलो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे जानने का हक है, बताओ वो कौन है, बोलो। मुझे पता है कि अब क्या करना है। ये बच्चा नहीं होगा, ये बच्चा नहीं हो सकता घालिया, हमें कुछ करना होगा। मामा रुको, मामा आप ऐसा नहीं कर सकती। मॉम, मॉम। हेलो, आपने मुझे पहचाना? ये बैग काफी भारी होगा, अगर आप चाहें तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। मुझे पता है कि आपकी बेटी और एक परपोता भी है, आपका घर पास में ही है ना यहाँ से? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है। लैपटॉप कहाँ है बताओ, जल्दी बताओ। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। नहीं पता तो जल्दी से याद करके बताओ, वरना मेरे लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी बेटी और तुमसे ढंग से बात करेंगे, समझ गई? बताओ तुमने उसे कहाँ बेचा है और किसे बेचा, सब बताओ जल्दी से, चलो बताओ। हमारी दवा का टेस्ट डायबिटीज पेशेंट्स पर सक्सेसफुल रहा। मुझे यकीन है गवर्नमेंट से हमें ऑर्डर मिल जाएगा और हम भारी मात्रा में उन दवाइयों को बना पाएंगे। हमें फॉरेन एनालॉग से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जैसा मैंने कहा, अभी टेस्ट पूरा होने में अभी टाइम है। नहीं, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, ये ब्यूरोक्रेटिक मैटर है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सपोर्ट करो। एडिटा यानी मेरी राइट हैंड है, मैं उस पर पूरा भरोसा कर सकता हूं। प्लीज घालिया, बताओ बताओ ये सब कैसे हुआ, वो कौन है? मॉम, मुझे प्यार हो गया था, आप समझ सकती हैं? हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। तुम इतना बताओ कि वो कौन है। घालिया, से पहले की बात और बिगड़ जाए मुझे बताओ, मुझे सच जानना ही होगा। घालिया बोलो। नहीं बता सकती। बच्चे, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे करूंगी, मुझे सच जानना ही होगा। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम कुछ कर लेंगे। अगर इसे रखा तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा। तुम जानती हो ना, रहीना वैसे ही हमसे नफरत करती है और मीशा बस उन्हीं की बात मानते हैं, और अपने भाई मैक्सिम को तो तुम अच्छे से जानती ही हो। कोई भरोसा नहीं, वो हमें जान से मार देगा। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं इसका पता खुद लगा लूंगी। क्या हुआ? 8 बजे रजिस्ट्री ऑफिस। क्या 8 बजे, क्या बोलना चाहते हो, बोलो। मैरिज रजिस्टर करने के लिए क्लर्क 8 बजे ही आता है। हाँ, क्या मैक्सिम को पता है? हाँ। और माइकेलो को बता दिया? हम्म, ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके। मैंने मान लिया कि ये टेंडर आपका ही होगा, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। थैंक यू सो मच सेरियो माइकोलाइविच। ओके, गुड बाय। यस, गुड बाय। मैं आपको छोड़ देती हूँ। हेलो। शादी 8 बजे की है ये पता है ना?
मुझे नहीं पता, मैं बिजी हूँ। मैं मैक्सिम की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना काम छोड़कर यहाँ आ जाना चाहिए उसकी शादी के लिए। मैं एक बिजी आदमी हूँ, समझ गई तुम? क्या फिर से? शादी 8 बजे होने वाली है। अगर तुम्हें ये आइडिया पसंद नहीं है तो तुम कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना? मीशा, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। अपनी भतीजी के साथ तुम इस तरह से पेश क्यों आ रहे हो? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो तुम्हारी बॉस है। तुम्हारे बेटे की मौत में सिर्फ मेरी गलती थी। मैं मानता हूँ मैं उसे शिकार पर ले गया था, बेचारा रोमन। मीशा, वो बस एक एक्सीडेंट था, तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को दोषी मत मानो। मैंने उसे गोली मार दी, वो मैं ही था, उसकी मौत की वजह मैं ही हूँ। प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं अकेला पड़ गया था, हम कभी बाहर घूमने नहीं गए, हम कभी लीसा के करीब नहीं आए, और उस वजह से आज लीसा मुझसे नफरत करती है। मैं तो सुसाइड करने वाला था, सिर्फ मैक्सिम के बारे में सोचकर मैं जिंदा हूं। लियाना, मैं उसकी परवाह करता हूं, मुझे पता है मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें उससे जुदा कर दिया, अब मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। और मेरा क्या, वासिया और घालिया का क्या? प्लीज मुझे अब थोड़ा वक्त चाहिए लियाना, पहले हम अपने बेटे के करीब आ जाएंगे और वो मुझ पर भरोसा करने लगेगा, फिर मैं तुम्हें और बच्चों को साथ ले जाऊंगा। एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हाँ। हम एक फैमिली की तरह साथ रहेंगे। मैं कहूंगा तुम मेरे पिता की बेटी हो, तुम्हारा जन्म वेडलॉक में हुआ, फिर तुम मेरी बहन की तरह हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी। वो मेरे नए बेटे की जगह ले लेगा, रोमन की जगह। माफ करना मुझे। मैक्स, तुमने अपनी पोस्ट क्यों छोड़ी? पर क्या हुआ? मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। ओके, बात ऐसी है कि वो जो लड़की भी वहां है उसने भागने की कोशिश की, और उसने कहा कि वो नहाने जा रही है, और वो वहां से भाग गई, और मैं काम में बिजी था। वो ज्यादा दूर भाग गई थी? नहीं, उसे तुरंत ही पकड़ लिया गया। अभी तुम जाओ। तुम्हें अभी चलना पड़ेगा, ड्रेस ट्राई करना है। कैसी ड्रेस? एक वाइट ड्रेस। मैं नहीं जा रही हूं। शादी की ड्रेस सिलेक्ट करना अब काफी मुश्किल काम होता है। अच्छा होता कि अगर तुम दोनों मुझे अपने साथ ले जाते। मुझे कपल्स के लिए अच्छे वेडिंग पार्लर्स के बारे में पता है। हम सिर्फ एक ही जगह गए थे। समझ सकती हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे पता है, मुझे और मेरे हस्बैंड को शादी के लिए 3 महीनों का इंतजार करना पड़ा था। अब तो सब काफी चेंज हो गया है, सब बहुत ही फास्ट हो गए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं ना शादी में? नास्तिया, सब इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं आ रही। पर तुम्हें आना होगा, ट्रेडिशन है।
फॉलो करना होगा। यूरा वो मरे हुए लोगों के लिए आए हैं, मुझे मेरे मॉम डैड को जिंदा रखने के लिए। पर मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं वहीं पर रहूंगा तुम्हारे साथ। यूरा उन्होंने भी यही कहा था। अब बस रो मत, देखना हम सब एक दिन तुम्हारी शादी को सेलिब्रेट करेंगे। मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी। ठीक है मत करना तो, पर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। नास्तिया जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हो तुम। मैक्सिम, मुझे कुछ और दुकानों में जाना है। एक्चुअली मुझे तुम्हारे रूम के लिए लैंप्स और चादरें लेनी हैं, तो प्लीज़ हम वहाँ जा सकते हैं? शादी के लिए हम मेरी जगह पर जाएंगे। हाँ ये भी सही है, शादी तुम्हारी है तो तुम ही को चूज़ करना चाहिए। और वैसे भी मैं ये नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब करूँ। ऑल राइट? देखो एडिटर, प्लीज ये सब जो हो रहा है उसे कंट्रोल करो। हमने ये सब अपने इंटरेस्ट के लिए किया था, ये शादी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन एलेना वो मुझसे नफरत करती है। मुझे लगता है कि वो शादी में मुझे देखकर कहीं पागल ना हो जाए। क्या तुम दो बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ आसानी से डील करती हो, जर्नलिस्ट को हैंडल करती हो, और तुम मेरी बहन से इतना डरती हो? हा? नहीं ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश करूंगी। आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है? कमाल की ड्रेस है, बहुत अच्छे डिजाइनर का डिजाइन है ये, पता है? यकीन करो नास्तिया, ये डिजाइनर ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। आपके पास काली ड्रेस है? मुझे लगता है वही मुझ पर सूट करेगी। अब बस भी करो नास्तिया, मुझे तो लगता है कि ये ड्रेस कमाल की है। मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी। ओके, तुम्हारी फ्यूचर मदर इन लॉ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, अब बस भी करो, चलकर ड्रेस ट्राई कर लो। मैं मदद करना चाहती थी, लेकिन हो सकता है इसकी पसंद मुझसे अलग हो। फिटिंग रूम उस तरफ है। सर, मैं क्लिनिक गया था सर, पक्का नास्तिया का किडनैप किया गया है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए, किसी को इसकी खबर भी नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। मुझे उनका मैसेज आया था और मैंने सारी ट्रेन, फ्लाइट और बस चेक की है सर, वो शहर छोड़कर नहीं गई है सर, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसके। ऐसा हो सकता है शायद वो कार से गई। मैं अपनी बहन को जानता हूँ सर, वो कहीं भी जाने से पहले एक बार मुझसे जरूर बात करती है, और उसे कुछ ऑपरेशन भी करने थे, वो अपने पेशेंट को छोड़कर ऐसे कहीं नहीं जाती। ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे साथ मदद के लिए किसी को ले जाओ, और अगर तुम्हें कुछ भी मिलता है तो मुझे किसी भी वक्त रिपोर्ट कर सकते हो। यस सर। हाँ जाओ। अगर आपको टॉक्सिक लव का ये एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।